लालची शेर। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। आज शेर को बहुत भूख लगा था। वह पहले पास के नदी में पानी पीकर खाने के लिए शिकार प्रारंभ करने की सोच रहा था। गुफा से बाहर निकलकर पानी पीने के लिए नदी के पास गया। नदी में पानी पीने के बाद खाना ढूंढ रहा था, तब अचानक उसे दूर से एक ध्वनि सुनाई दी। तभी एक खरगोश उस घने घास से बाहर निकला। शेर को देखकर खरगोश बहुत डर गया। उससे दूर भागते हुए बचने का प्रयास कर रहा था, लेकिन शेर ने तो उस खरगोश को बड़ी आसानी से पकड़ लिया। बेचारा खरगोश शेर के चंगुल में फंस गया। ये छोटी सी खरगोश मेरा भूख नहीं मिटा पाएगी। फिर भी खरगोश को खाने के लिए तैयार था। तभी अचानक एक हिरन दिखाई देती है। शेर लालची होकर ऐसा सोचता है कि ये छोटी सी खरगोश को खाने के बदले में वो बड़ा जानवर खाना अच्छा है। सोचते ही उसके मुंह में पानी आ गए। उस हिरन को देखने से अब इस खरगोश को खाने का मन नहीं था, तो तुरंत खरगोश को छोड़कर शेर हिरन के पीछे पड़ गया। यह देखकर खरगोश बार बार बच गया, सोचकर भागने लगी। शेर हिरन के पीछे तेजी से भाग रहा था, तो होशियार हिरन उससे भी तेजी से भागने लगी। हिरन को शेर लपकना चाहकर बहुत ही मेहनत करने पर भी वह उसके आंखों के सामने गायब हो गया। आखिर में शेर के लालच की वजह से हिरन तो क्या, उस खरगोश तक को भी पकड़ नहीं पाया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि वह पेड़ के दोनों पक्षियों से अच्छा तो हाथ के एक पक्षी की कीमत बहुत है। कव्वे की दोस्ती से हुआ हिरन का नुकसान। एक जंगल में एक भोला भाला हिरन रहा करता था। जब उसे पानी पीना होता तो वो तालाब की ओर जाता था। हर बार की तरह हिरन एक दिन जब पानी पीने तालाब पहुंचा, वहां कुछ कव्वे आए और उन दोनों की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई। वो अच्छे से घुल मिलकर बात करने लगे। एक दिन उस भोले हिरन को खरगोश ने आकर कुछ कहा। हिरन भाई, तुम इन कव्वों से दोस्ती मत करो। जितना इनका शरीर काला है ना, इनका दिल भी उतना ही काला है। पहले भी ऐसे ही दोस्ती करके बहुत सारे जानवरों से इन्होंने विश्वासघात किया है। ये तो सच है कि सच हमेशा कड़वा ही होता है। हिरन ने उसकी बात नहीं मानी और वो रोज उन कव्वों से मिलता रहा और उनकी बातों में आ गया। एक दिन कव्वे कहीं जा रहे थे तो उन्होंने हिरन को भी अपने साथ आने के लिए आमंत्रित किया। हिरन बिना कुछ सोचे समझे उनके पीछे पीछे निकल गया। वो कव्वे पास के खेत में दाना चुगने जा रहे थे। खेत की सारी फसल को कव्वे नष्ट कर रहे थे। हिरन को ये बात अच्छी नहीं लगी। दोस्तों, ये जो तुम कर रहे हो गलत है। इंसान ने कितनी मेहनत की होगी इस फसल को उगाने के लिए, इसे बर्बाद मत करो। किसान फसल उगाता ही है, आधा उसके लिए और आधा हमारे लिए। इसमें कुछ गलत नहीं है, आओ तुम भी थोड़ा सा खा लो। कव्वों ने हिरन की बात नहीं मानी। अचानक उसकी नजर उसकी ओर आते किसान पर पड़ी। आकाश में उड़ने वाले कव्वों ने उसे देख लिया था और वो तुरंत उड़ गए। ओहो, तो इतने दिनों से तुम मेरी फसल को खा रहे थे। रुको, अभी मैं तुम्हें बताता हूँ। लकड़ी लेकर वो हिरन को बहुत जोर जोर से मारने लगा। हिरन बेचारा बहुत विनती कर रहा था। किसान अपनी फसल के नुकसान पर बहुत निराश था और उसे हिरन पर गुस्सा आ रहा था। वो उसे बहुत देर तक बिना रुके मारने लगा। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुरे लोगों के साथ अगर रहोगे तो वो तो बच जाएंगे, पर तुम फंस जाओगे। शेर और बक की कहानी। एक जंगल में एक शेर था। वह जानवरों को शिकार करके अपना समय बिताता था। एक दिन शेर एक जानवर को खाते समय उसका हड्डी गले में फंसकर ना बाहर ना अंदर आकर बहुत परेशान हुई।
दर्द से जोर जोर से चिल्लाते हुए बेचैन हो गए। बेचारा दर्द से पूरा जंगल में घूम रही थी। घूमते हुए शेर को पेड़ पर बैठा हुआ कौवा दिखाई दी। कौवा दोस्त मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को क्या बाहर निकाल सकते हो? बाद में मैं आपको जो चाहिए वो करूँगा। दर्द को सह नहीं पा रहा हूँ। शेर जी, जन्म से ही हम दोनों शत्रु हैं ना, आपकी बात पर मैं विश्वास नहीं करूँगी। जाओ जाओ यहाँ से। अब करने को कुछ नहीं है करके शेर जंगल में चले गए। घूमते हुए शेर को एक पेड़ पर बैठा हुआ बग दिखाई दिया। बग दोस्त क्या आप मेरे गले में फंसा हुआ हड्डी को बाहर निकाल सकते हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, जरूरत पड़ने पर एक दूसरों की सहायता करनी चाहिए। वो एक क्रूर जंतु है, वो हमारा शत्रु है। उसके मुंह में मुंह मत लगाओ वरना वो तुम्हें खा जाएगा। नहीं नहीं, शेर का दर्द को मैं देख नहीं पा रही हूँ। शत्रु को भी मुश्किल समय में सहायता करना अच्छी बात है। दोस्त मना करने पर भी वह जाकर उसका लंबी चोंच से शेर के गले में फंसा हुआ हड्डी को निकालकर सहायता की। दोस्त, आपका यह सहायता बहुत बड़ा है। आज से हम दोनों दोस्त हैं। शेर ने प्यार से कहा। बेचारा बग मान गए। दोनों बहुत दिन तक साथ रहे, खेलकर, बात करके और शेर का लाया हुआ शिकारी को खाकर अच्छे दोस्त जैसा समय बिताए। मगर कुछ दिन शिकारी ना मिलने पर भूख से मरे जैसा हो गए शेर। उसके भूख के सामने अच्छे बुरे की मतलब नहीं रहा। वह जब मुसीबत में थी तब बग का किया हुआ सहायता भी भूल गए। बग को सामने देखकर उसको खा के भूख मिटाने से कोई गलती नहीं है, ये सोचकर वो फिर गले में कोई चीज फंस गई करके नाटक किया। बग उस हड्डी को निकालने के लिए शेर की करीब आता है, फिर मौका देखकर एकदम से शेर उसको पकड़ लेता है और फिर उसे खा लेता है। इसीलिए बड़े लोग बताते हैं कि शत्रु से दोस्ती ठीक नहीं है। बाघ के वेश में गधा। कई साल पहले एक गांव में एक धोबी रहता था। उसके पास एक गधा रहती थी। वह गधा कामचोर थी। रोजाना मालिक को कोई बहाना बनाकर मालिक को धोखा देती थी। ऐसा ही कई दिन सहन करके और गधे को पालना मुश्किल समझकर उसे छुटकारा पाता है। इतने दिन मालिक सब कुछ देने से आराम से जीने वाली गधा को पहली बार भूख का एहसास होता है। भूखी गधा फसल के खेत में गई। फसल को खराब कर रही गधे को देखकर खेत के रखवाले गधे को दौड़ा दौड़ा कर मारा। उस गधे को एक दिन जंगल से गुजरते समय शेर का चमड़ा दिखा। उसे देखते ही गधे को दिमाग में एक उपाय आया। तुरंत उस उपाय को अमल कर देती है। वो शेर की चमड़ी को लगाकर खेत में जाती है। शेर का चमड़ा पहनने वाला गधे को देखकर खेत के रखवाला शेर शेर आ गया करके वहां से भाग जाता है। उसके बाद गधा खेत में उसका मन पसंद की खाना खा लेती है। उस घटना के बाद सारे गांव वाले भी उस शेर से डर जाते थे। उसके बाद गधे को जब भी भूख लगती है वो मर्जी से खेत में घूमती थी। इतने में गांव में रहने वाले एक हिम्मत वाला इस शेर का खबर लेता हूँ करके निर्णय लिया। बिना किसी को बताए खेत में छुप कर शेर का इंतजार करने लगा। कुछ समय के बाद वहाँ शेर की चमड़ी पहनकर गधा वहाँ आकर खेत में फसल का रहा था। शेर को देखते हुए हिम्मत वाला भी डर गया, फिर भी वो मौका का इंतजार कर रहा था। इतने में दूर से गधे चिल्ला रहे थे। कई दिनों से छुप कर खेत में खा रही गधे को अपनी जाति के आवाज सुनकर रुक नहीं पाई और वो भी चिल्लाने लगी। गधे चिल्लाते ही उसे समझ में आ गया कि वो एक गधा है।
तुरंत उसके साथ लाई हुई डंडे से गधे की खूब पिटाई की। उसके बाद से गधा कभी खेतों में वापस नहीं आया। इसीलिए बुजुर्ग कहते हैं कि सच को ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते।